देवेंद्र फडणवीस जी का इतिहास अलग है, उनका महाराष्ट्र के इतिहास से क्या लेना देना है अब समझ लेना पड़ेगा। ये इतिहास मोड़ना तोड़ना खत्म करना चाहते हैं। पंडित नेहरू ने अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किताब में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ टिप्पणी की है। छत्रपति शिवाजी महाराज, अब पंडित नेहरू जी उस वक्त जेल में थे और जेल से जो किताब लिखी है उसमें वो रेफरेंस आया है। उसके बाद पंडित नेहरू ने ये माफी मांगकर महाराष्ट्र के और छत्रपति शिवाजी महाराज की ये कहा कि मैं जेल में बंद था और मेरे पास रेफरेंस की कमी थी, तो मेरे से ये गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं। ये बात है लगभग 70-75 साल पहले वाली, वो बात है 1932 की बात है। अब इतिहास ढूंढ ढूंढ कर पन्ने खोज रहे हैं शिवाजी महाराज के बारे में। सवाल ये है कि आपने शिवाजी महाराज का जो अपमान किया उसके ऊपर बात करो ना, इतिहास में क्यों जा रहे हो भाई। जिस तरह से आपके राज्यपाल कोश्यारी थे उसने शिवाजी महाराज का अपमान किया, अभी अभी आपके मंत्री केसरकर उसने शिवाजी महाराज का अपमान किया, मालवण में जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र के निर्माण, पुतला के स्टैच्यू निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके ऊपर बात कीजिए, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो, ये बताइए आप कि अपमान क्यों और कैसे किया और क्यों, आपकी मानसिकता क्या है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.